हेलो गाइस, वेलकम टू द गैरेज। आज हम बात करेंगे होंडा HR-V के बारे में। चंद दिन पहले ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये होंडा मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है और पाकिस्तान में इसको होंडा एक्ट्रेस असेंबल करते हैं। इसके इंजन की पावर 1.5 लीटर है, 1500 cc इंजन। इसकी बॉडी टाइप क्रॉस ओवर है, मल्टीपर्पज़ के लिए गाड़ी यूज़ होती है। इसकी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, मैनुअल में इसकी कोई वेरिएंट नहीं आती। फ्यूल टाइप की बात की जाए तो ये पेट्रोल इंजन गाड़ी है, लेकिन इंटरनेशनली इसका एक वेरिएंट हाइब्रिड में भी आता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो 40 लीटर है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बेहतरीन है। इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर फी घंटा है। ये टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। ये एयर कंडीशन गाड़ी है, AC की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये 60 लाख से शुरू होती है और 62 लाख तक जाती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें अगर हम तो ये 5 सीटिंग पर्सन गाड़ी है। फ्यूल एवरेज ये शहर में 13 और लॉन्ग पे तकरीबन 15 किलोमीटर देती है। आप एक बार टैंक फुल करवाते हैं तो 550 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी है। बूट स्पेस की बात करें अगर हम तो ये 335 लीटर आती है। आप सीट को फोल्ड करके अपनी मर्जी से बूट स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये ABS ब्रेक के साथ आती है। इसमें पुश स्टार्ट इंजन बटन भी दिया गया है। ये पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग गाड़ी है खूबसूरत इंटीरियर के साथ। ये 5-speed ऑटो गियर बॉक्स के साथ आती है। इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो 8-inch फ्लोटिंग डिस्प्ले इसमें पहले से दिया गया है। ये 17-inch अलॉय व्हील के साथ आती है। इस पर फ्रंट एंड रियर कैमरा भी दिया गया है, लेकिन VTI-S वेरिएंट में। वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये 2 वेरिएंट्स में आती है, HR-V VTI और HR-V VTI-S। इसका ओवरऑल कार वेट 1267 kg है। मेंटेनेंस की बात करें अगर हम तो ये डीलरशिप पर फिलहाल इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 7.7 इंच की जमीन से उठी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। ओवरऑल डायमेंशन 14 फुट 3 इंच लंबी, 5 फुट 10 इंच चौड़ी और 5 फुट 3 इंच ऊंची है। होंडा HR-V कीलेस और स्मार्ट एंट्री गाड़ी है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें 4 एयरबैग दिए गए हैं। इसमें रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं विद LED इंडिकेटर। डे टाइम रनिंग लैंप भी इसमें मौजूद हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसकी बैक पे रियर वाइपर भी दिया गया है। हाई माउंटेड टॉप लाइट भी इसमें मौजूद है। सीट मटेरियल की बात की जाए तो ये लेदर मटेरियल में आते हैं VTI-S में, जबकि VTI में फैब्रिक मटेरियल की सीट्स हैं। ब्लैक और सिल्वर कलर का 2-tone इंटीरियर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये ऑटो हेडलाइट्स हैं, अंधेरे में जाने से हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। VTI-S वेरिएंट में वायरलेस चार्जर की सहूलत भी दी गई है। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए अगर तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ड्राइविंग साइड की सीट की हाइट आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की लुक की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत है। होंडा HR-V में रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं विद 2 USB चार्जिंग पोर्ट। बैक पैसेंजर्स के लिए काफ़ी सहूलत होगी। 4.2 इंच का TFT ड्राइवर इंफॉर्मेशन इंटरफेस दिया गया है मीटर के अंदर। इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी है। और एक और खास बात, इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, जो कि एक नई चीज़ ऐड की गई है। इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मौजूद है। 0 to 100 की बात की जाए तो ये तकरीबन 12.1 सेकंड में 0 to 100 करती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर भी दिए गए हैं, जो कि बच्चों की सेफ्टी के हवाले से हैं। फ्रंट पे 5 USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है।
रेड टू वे फोल्डिंग सीट्स हैं, आप सीट आगे से भी उठा सकते हैं और बैक से भी फोल्ड कर सकते हैं, मल्टीपर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सन वाइजर एक्सटेंडेबल दिया गया है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे की तरफ मजीद। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि ये थर्ड जनरेशन लॉन्च की गई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी ये थर्ड जनरेशन एक साथ ही लॉन्च हुई है। स्पेशियस केबिन है, खुली गाड़ी है, स्पोर्टी लुक है, डीलरशिप अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मिसिंग बेसिक फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जो कि बहुत ज़रूरी फीचर होता है एक आजकल बड़ी गाड़ियों में, तो वो इसमें मिसिंग है। पार्किंग सेंसर मिसिंग है, इसके अलावा अंडर पावर है थोड़ी, इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं है। आप लोगों को इस गाड़ी में क्या मिसिंग लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।